सरायकेला जिले की असनबनी पंचायत में देखते ही देखते एक घर जलकर राख हो गया। बताया जा रहा है कि ग्रामीणों ने आग बुझाने का प्रयास किया, लेकिन वे सफल नहीं हो पाए। वहीं घर में आग लगने से कपड़े, जरूरी सामान और अन्य कागजात जलकर खाक हो गए। सरायकेला जिले के कुकड़ू प्रखंड कार्यालय सभागार में बीडीओ गिरिजा शंकर महतो ने सरकारी योजनाओं को सुचारू रूप से संचालन को लेकर समीक्षा बैठक की। इस बैठक में बीडीओ ने मनरेगा, प्रधानमंत्री आवास योजना, बाबा साहब अंबेडकर आवास, राशन कार्ड, दीदी बाड़ी योजना जैसे कई सरकारी योजनाओं की समीक्षा की। इस बैठक में कई अधिकारी और पदाधिकारी भी मौजूद रहे। प्रखंड स्तर में हम लोग हर एक सप्ताह में 2 दिन बैठक करते हैं, मंगल और शुक्र ही करते हैं, लेकिन कल हम किसी कारणवश नहीं कर पाए थे, इसलिए हम आज कर रहे थे बैठक। और इसमें हम लोग जितने भी प्रखंड और अंचल स्तरीय जितने भी चाहे प्रोग्राम्स चल रहे हैं, चाहे जो भी दिशा निर्देश हम लोग को जिला स्तर से मिलता है, उन सारे के बारे में हम लोग डिस्कशन करते हैं। जैसे कि मनरेगा है, प्रधानमंत्री आवास है, पेंशन विधवा पेंशन है, वृद्धा पेंशन। चाईबासा में कांग्रेसियों ने एक दिवसीय कार्यक्रम का आयोजन किया। कार्यक्रम का मुख्य अतिथि झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री मधु कोड़ा रहे। इस दौरान कार्यकर्ता स्वर्गीय अक्षय प्रधान की याद में 2 मिनट के लिए मौन भी रखा गया। पूर्व मुख्यमंत्री ने कार्यकर्ताओं में जोश भरते हुए कहा कि नदी की पानी की तरह चलायमान बने, तभी आप बड़े से बड़ा कार्य कर सकते हैं। शीतकालीन सत्र में भाजपा के द्वारा किसान विरोधी कानून, कृषि कानून लाया गया और आज तक आंदोलन करना और कांग्रेस पार्टी के हमारे राष्ट्रीय नेतृत्व श्रीमती सोनिया गांधी, राहुल गांधी, उन्होंने ऐलान किया है कि किसी भी हाल में, किसी भी परिस्थिति में ये कृषि कानून, जो काला कानून लाया गया है, किसी भी हालात। सरायकेला जिले के कुकड़ू कार्यालय के समक्ष शहीद अजीत व धनंजय महतो के आदमकद मूर्ति का पूर्व उप मुख्यमंत्री सुदेश महतो ने अनावरण किया। आजसू सुप्रीमो सुदेश कुमार महतो, पूर्व मंत्री रामचंद्र सहिस आदि ने अनावरण कर फूल माला पहनाकर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। बता दें कि 21 अक्टूबर 1982 को तिरहुल डी गोली कांड में अजीत व धनंजय महतो शहीद हो गए थे। सचिन कुमार महतो जी हमारे इस क्षेत्र के शहीद झारखंड आंदोलनकारी नेता अजीत धनंजय जी की मूर्ति काफी दिन से ये प्रतीक्षा थी, तैयार हो चुका था। आज भोजपुरी अभिनेता और गायक पवन सिंह की लोकप्रियता इन दिनों काफी बढ़ गई है। लोकप्रियता का आलम यह है कि कोरोना काल में भी उनकी फिल्म मेरा भारत महान को ऑडियो वीडियो सैटेलाइट राइट 1,51,00,000 में बिका है, जो भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री में एक रिकॉर्ड है। इस फिल्म के निर्माता विपुल राय हैं, यह जानकारी फिल्म के निर्देशक देवेंद्र तिवारी ने दी। इस सफलता पर क्रू टीम ने एक छोटी सी पार्टी का आयोजन किया, जिसमें बीजेपी सांसद और अभिनेता रवि किशन ने पवन सिंह और देवेंद्र तिवारी को मिठाई खिलाकर फिल्म की सफलता के लिए बहुत सारी शुभकामनाएं दी। आपको बता दें कि पवन सिंह की फिल्म मेरा भारत महान की शूटिंग इन दिनों जौनपुर में चल रही है, जो रवि किशन का गृह क्षेत्र है। अब तक के बुलेटिन में सिर्फ इतना ही। बने रहे हमारे साथ। नमस्कार।